चलिए आज चलते हैं थौल लेक। 1912 में इसे इरिगेशन के लिए गायकवाड़ के शासन के दौरान बनाया गया था और इसे बर्ड सेंचुरी घोषित किया गया 1988 में। नर्मदा नदी का पानी यहाँ छोड़े जाने की वजह से ये लेक पूरे साल पानी से भरा रहता है और यही वजह है कि यहाँ 150 से भी ज्यादा तरह के पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है। अहमदाबाद से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर है ये थौल लेक। सनराइज से पहले यहाँ आने पर मनमोहक सूर्योदय के साथ साथ पक्षियों की आवाज आपका दिन बना देगी। माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ विंटर के समय खूब मात्रा में आते हैं, इसीलिए अक्टूबर से फरवरी का समय यहाँ आने का परफेक्ट समय माना जाता है। वैसे ये लेक में पूरे साल पानी होने की वजह से समर में भी यहाँ बर्ड्स देखे जा सकते हैं। पक्षियों के अलावा यहाँ हाइना, जैकल और ब्लू बुल भी है। और हाँ, थौल लेक से थोड़ी ही दूरी पर कणजरी गांव है, जहाँ आपको काफी मात्रा में ब्लैक बक्स देखने को मिलेंगे। फोटोग्राफर्स और बर्ड लवर्स के लिए थौल लेक पसंदीदा जगह बन चुकी है। पूरा दिन यहाँ कैसे बीत जाता है इसका पता ही नहीं चलता।